हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, दिखाते हैं मेरे पास रियलमी, देखिए नर्जो 35G है। इसको हम फॉर्मेट करेंगे, इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे चलिए आप लोगों को तरीका। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम इसमें हो, कोई एप्लीकेशन या कुछ नहीं काम करते, उसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के सबसे निचले भाग अबाउट फोन, देखिए दोस्तों आप लोगों को हम चेक करवा दे रहे हैं। रियलमी नर्जो 35G 128GB है, डिमनिस्टिक 700 ओक्टा कोड है, RM 32/42, 6GB रैम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका एंड्रॉयड वर्सन 13 है, सबसे लाटेस्ट वर्सन एंड्रॉयड 13 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमको जाना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों देखिए, सबसे नीचे आएगा, मुझे नीचे आना है, नीचे देखना है, सबसे नीचे बैकअप एंड रीसेट, बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे दोस्तों, रीसेट फोन, उसे रीसेट फोन करेंगे दोस्तों। तो देखिए मुझे रीसेट नेटवर्क सेटिंग है, रीसेट ऑल सेटिंग है, हमें इरेज ऑल डाटा करना है, इरेज ऑल डाटा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने ऑल डाटा किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, कैंसिल का और दिस विल क्लियर ऑल डाटा। हम एक और कंफर्म करना है जब मेरा अपना डाटा कंफर्म है। तो दोस्तों इससे मोबाइल का डाटा सारा उड़ जाएगा, सारा मोबाइल का मेरा क्लीन हो जाएगा, न्यू से हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, अगर मोबाइल का आपका डाटा नहीं करना है तो इरेज डाटा ना करें। तो देखिए हमने इसको इरेज डाटा कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये डाटा दोबारा कंफर्म किया, अब हमारा फोन फॉर्मेट हो गया, चालू हो गया, मोबाइल बंद हुआ, ऑटोमेटिक बंद होगा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट लगाइए और ऑटोमेटिक चालू लेगा। तो देखते रहिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक बंद लेगा, ऑटोमेटिक चालू होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक मेरा फ़ोन चालू हो गया है। और चालू होने के बाद इसका हम पूरा सेटिंग मारेंगे, सेटअप करेंगे। तो देखिए आप लोगों को वीडियो, ये बहुत काम का है, रियलमी बहुत ही लाटेस्ट मॉडल है, नर्जो 35G। बने रहे मेरे वीडियो के साथ और बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में। तो देखिए बहुत ही टेक्निकल ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों को मोबाइल के बारे में। और भी कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो दोस्तों कमेंटों में ज़रूर बताएं, मोबाइल के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों देखिए मेरा फ़ोन चालू हो रहा है और रियलमी लिख दिया है, देखिए इसको चालू होने में थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा। और इसके बाद दोस्तों रियलमी सेटअप के बाद, देखिए इसमें ऑन होने के बाद सेटअप करना पड़ता है, ऐसा नहीं है फॉर्मेट मार दिए तो डायरेक्ट ये मीनू ओपन हो जाएगा, नहीं, इसका सेटिंग भी हम करके आपको दिखाएंगे प्रॉपर रूप से। तो देखते रहिए, अगर ये आप नहीं देखेंगे सेटिंग मारना तो फिर आप फंस जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा, आपसे रुपया भी ले सकता है। तो आप वीडियो पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा जो कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे करना है, सारा सेटिंग आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए मेरा फ़ोन चालू होने दीजिए, चालू जाते हैं, थोड़ा देरों के लिए हम इसको स्किप कर देंगे। तो आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू, हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि रियल में इसमें कम से कम आप 10 मिनट लगेगा। तो आप लोग घबराएं ना, इस समय मोबाइल को कुछ ना करें। अगर इस समय हम मोबाइल को बंद करते हैं, कोई भी बटन उटन दबाते हैं, मोबाइल हो सकता है बंद हो जाए, तो बंद होने के बाद दोस्तों नहीं चालू होगा, उसके लिए फिर आपको सर्विस सेंटर या किसी सॉफ्टवेयर शॉप पर जाना होगा, मोबाइल को सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका मोबाइल ज़्यादा हैंग करता है और कोई किसी एप्लीकेशन नहीं चलता है, मोबाइल भर गया है, तो आप दोस्तों इरेज डाटा कर सकते हैं। तो देखिए अब फ़ोन चालू होने वाला है और चालू होने के बाद सारा सेटअप बताएंगे। ये सेटअप सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है, अगर ये सेटअप नहीं देखें तो आप वीडियो को आगे ज़रूर देखें, अगर ये सेटअप नहीं देखें तो समझ लीजिए वीडियो आपको देखने का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों फाइनली मेरा फ़ोन चालू हो चुका है। तो चालू होने के बाद दोस्तों आप सेटअप इसका दिखाते हैं, देखिए स्क्रीन पर जैसे ही हेलो और ये लोगो आ जाएगा तीर का, तो जैसे हम इसको टच करेंगे देखिए इसमें सारा बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे लैंग्वेज चेक करना है, आपको हिंदी करना है हिंदी कर लीजिए, मुझे इंग्लिश करना है तो मुझे इंग्लिश कर लिया। इंग्लिश करने के बाद देखिए दोस्तों अब इसमें मुझे सेलेक्ट रीजन करना है, रीजन में दोस्तों इंडिया, अगर हम इंडिया कंट्री से हैं तो इंडिया कर लेंगे, आप जिस कंट्री से हैं वो कंट्री सेलेक्ट अपना कर लेंगे, यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना होता है रीजन, तो कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ सारा जितना भी है वो टिक कर देंगे, एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ वाईफाई आएगा, वाईफाई नहीं देना है आपको, सीधा स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद देखिए इसको गोल गोल सर्विस सीधे मोड मोड एक्सेप्ट करते जाना है। अब देखिए यहाँ फिंगरप्रिंट फेस अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, मगर हमको अभी नहीं डालना है, बाद में डालना है तो हम बाद में डालेंगे, तो इसके लिए स्किप कर देंगे, स्किप कर दिए। अब देखिए
इसको भी ईमेल आईडी, अगर अब ईमेल आईडी अगर अभी डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में हम डालेंगे। तो इसके लिए भी हम हमको अभी ज़रूरत नहीं, तो हम स्किप कर देंगे, स्किप कर दिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें सेंसर का आ रहा है, मुझे बटन वाला सेंसर चाहिए या फिर लेफ्ट राइट वाला सेंसर, मुझे बटन सेंसर चाहिए। बटन सेंसर पर टिक करके नेक्स्ट कर दिए। दोस्तों ये ही सबसे मेन है आपको सेटअप करना, अगर ये सेटअप आप नहीं कर पाते हैं तो आप फंस जाएंगे, मोबाइल आपका पूरा क्लियर और नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा वहीं पे। तो देखिए अब यहाँ से डन करेंगे, डन करने के बाद देखिए रियलमी U1 आ गया है और इसको गेट स्टार्टेड, फाइनली हम यहाँ अब गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद देखिए मेरा फ़ोन चालू हो गया है। तो फाइनली दोस्तों देखिए, आप लोगों को हमने फॉर्मेट करके दिखाया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।